गुड आफ्टरनून टू यू ऑल, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है? ओके, आज हम लोग हुमायूं के असफलता के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये प्रश्न आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है और आपकी एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि दो तीन कोटेशन है जिसको आपको जानना है कि हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ हुमायूं, या फिर शेर शाह सूरी की विरुद्ध हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ हुमायूं अगेंस्ट द शेर शाह, या डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ शेर शाह अगेंस्ट हुमायूं, है ना? या ये प्रश्न आता है, हुमायूं स्वयं अपना शत्रु था, हुमायूं वाज एन एनिमी, हिज एनिमी। इसके अलावा लीनपुल का एक स्टेटमेंट बहुत कोट किया जाता है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, हुमायूं स्टंबल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, एंड डाइड बाई स्टम्बलिंग एंड फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इस शब्द को ध्यान रखना है, इस कोटेशन को, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को याद रखना है कि लेनपुल का ये स्टेटमेंट बहुत कोट किया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि हुमायूं खुद अपना शत्रु था, हुमायूं वाज हिज एनिमी। और अभी हमने लेनपुल के इस स्टेटमेंट के बारे में बताया, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों हुमायूं असफल हो गया, जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई, कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण हुमायूं शेर शाह के अगेंस्ट सफल नहीं हो सका, और कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण शेर शाह हुमायूं के विरुद्ध सफल रहा। इस दृष्टि से देखें तो हमने इसके पहले जो अध्ययन किया है, जो डिस्कस किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हुमायूं में बहुत सी उसकी जो कठिनाइयां थी, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके कारण ही आगे आने वाले समय में, क्योंकि प्रारंभ से ही जो कठिनाइयां उसको दिखाई पड़ रही हैं वो कभी पीछा उसका नहीं छोड़ती हैं, और अंत में उसका जो अंत होता है उन कठिनाइयों की पृष्ठभूमि में ही, उनकी प्रीफेस में ही यह चीजें रहती हैं। हुमायूं को अंततः शेर शाह सूरी के अगेंस्ट पराजित होकर के भारत से बाहर डिपोर्टेशन होना पड़ता है, निर्वासित होना पड़ता है। यह बहुत बड़ी विचित्र विडंबना। अब अगर हम इसका टू द पॉइंट एनालिसिस करें कि कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ हुमायूं अगेंस्ट शेर शाह, या कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ शेर शाह अगेंस्ट हुमायूं, है ना, उन कारणों के बारे में जिसके कारण शेर शाह सूरी सफल रहा, उन कारणों के बारे में जिसके कारण हुमायूं शेर शाह के खिलाफ असफल रहा, या हुमायूं पूरी लाइफ टाइम असफल रहा और लड़खड़ाता लड़खड़ाता ही उसकी मृत्यु हो गई, ये बहुत स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से देखें तो जैसा पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि पिता बाबर से जो उसको साम्राज्य मिला हुआ था वह अनऑर्गेनाइज्ड था, अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था,
असंगठित साम्राज्य था जहां पर विस्तार तो था मुगल साम्राज्य का, लेकिन उसको व्यवस्थित नहीं किया था। वह 4 वर्ष तक केवल युद्ध ही करता रह गया और उन युद्धों के दौरान उसको यह समय नहीं मिल पाया बाबर को कि वह इसे संगठित कर सके और अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक संगठित अस्थायी साम्राज्य प्रदान कर सके। इसके अलावा जो उसने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को यह संदेश दिया कि अपने भाइयों के साथ समान व्यवहार करना, साम्राज्य का विभाजन बराबर बराबर करना, इसके अलावा अपने जीवन काल में उसने कामरान और हुमायूं के बीच, हुमायूं और कामरान के बीच जो संपत्ति का जो रेशियो था बांट दिया, 6:5 का था, दोनों के बीच उसने बांट दिया। ये बहुत नुकसानदायी हुआ। और कामरान को आफ्टर जब हुमायूं सत्ता प्राप्त करता है तो जो उसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जो काबुल कांधार का जो क्षेत्र उसे प्रदान करता है, वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। और वहाँ का क्षेत्र मिलने के कारण हुमायूं को योग्य सैनिक वहाँ से नहीं मिल पाए जो जरूरत के लिए, जो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों की जरूरत थी, और हुमायूं उससे लाभ नहीं प्राप्त कर सका। तो अगर हम ये देखें, पहली बात तो हुमायूं को एक असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर मिला था, जो हुमायूं उसे ही ऑर्गेनाइज्ड करते करते ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए निरंतर प्रयासशील रहा और वह सफल नहीं हो सका। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलती है कि हुमायूं ने समय का सही उपयोग नहीं किया। हुमायूं डिड नॉट यूटिलाइज द उसने समय के अनुसार चलने की जगह खुद के अनुसार चलने की कोशिश करी। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम ये पाते हैं कि जैसे गौड़ पर जब वो अधिकार कर लेता है तो 8 महीने वह अपनी लग्जेरियस लाइफ व्यतीत करता है। आफ्टर द पोजिशन ऑफ गॉड ही वॉज बिजी इन लग्जरी लाइफ एट सेवरल मंथ्स। और उन लगभग लगभग 7 और 8 महीनों के बीच में शेर शाह ने अपने आप को जौनपुर से लेकर के बनारस और कन्नौज के इलाके में पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, विजिट कर लिया, और वह निरंतर एक प्लानिंग के तहत एक काम कर रहा था कि हुमायूं को हमें किसी भी सूरत में आगरा लौट के वापस जिंदा नहीं जाने देना है, और जगह जगह व्यवस्थित तरीके से अपने सैनिकों की तैनाती वह कर रहा है। और हुमायूं क्या है, आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं, भांग अफीम का सेवन कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया गॉड पर अधिकार करके। यही कारण है कि जब वो आगरा से लौटते हैं, गॉड से वापस जब लौट रहे होते हैं तो उन्हें 3 बार अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता है, कर्मनासा नदी के तट पर जो चौसा का युद्ध हुआ उस दौरान, और बड़ी मुश्किल से एक सेलर ने, एक नाविक ने, एक विस्ती ने उनकी जान बचाई और वे किसी तरह से आगरा जान बचाकर जाने में सफल हो गए। लेकिन वहां जाने के बाद भी ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें शेरशाह सूरी की शक्ति को दबाना, और इसके लिए जरूरी है कि कन्नौज पर अधिकार करे, बनारस तक अधिकार करे, लड़ाई निरंतर जारी रखे। वे आराम से बैठे हुए हैं तब तक जब तक उनको ये नहीं पता चलता है कि शेरशाह उसकी सेना कन्नौज आ गई है, वहां पर अपना कैंप लगा ली।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हुमायूं के द्वारा अव्यवस्थित तरीके से युद्ध लड़ा गया है। जो भी युद्ध लड़ा गया कर सकता था। गुजरात गुजरात का शासक बहादुर शाह समर्थन करता, मालवा का सहयोग बहादुर शाह ने मालवा पर साथ दिया होता राजपूतों का, तो हुमायूं को राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया होता। लेकिन नहीं, ग्वालियर पहुंचता है, ही रिस्ट एट ग्वालियर एंड 2-3 मंथ्स इन ग्वालियर अपना टाइम करता है। जब गुजरात पर इनका अधिकार हो जाता है, मालवा पर अधिकार हो जाता है, फिर उसे व्यवस्थित नहीं करते हैं। जब पता चलता है कि चुनार पर दोबारा शेर खान ने घेरेबंदी कर ली है, तो उसको व्यवस्थित किए बिना छोड़ करके चले जाते हैं। योग्य अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारी की वहां पर नियुक्ति करने की जगह सामान्य पहली बार प्रशासनिक काम देखने वालों को, हिंदाल को वहां पर प्रशासक नियुक्त करके चले जाते हैं, सॉरी अस्करी को। तो पर फिर से और जीत जाते हैं। लेकिन 6 महीने का समय का उपयोग
रोहतासगढ़ के किला जो बनवाया था उसमें गौड़ की संपत्ति को ट्रांसफर करने में बिती थी। सकता है कि उसने गौड़ पर अधिकार कर लिया, तब ये आराम से जागृत होते हैं। फिर ये पहुंचते हैं गौड़, वहां पर जब पहले से तैयारी किया हुआ था हटा देता है, बड़ी आसानी से उनका कब्जा होता है। फिर बहुत जश्न मनाते, एक मुगलिया परंपरा थी विजय के बाद जश्न मनाने की, दान देने की। खूब 8 मंथ लव अप्रोक्स 8 मंथ मायू स्पेंड इन गॉड। ही वॉज बिजी इन लग्जरियस लाइफ, आमोद प्रमोद युक्त जीवन जी रहे वहां पर, डांस नृत्य में मशगूल हैं, भांग अफीम का सेवन करने वाला था। तो क्या हुआ, आपने गौड़ को भी नहीं व्यवस्थित किया, यह कभी डिसाइड नहीं कर पाया फाइनली कि हमें बंगाल पे अधिकार करना है कि हमें बिहार पे अधिकार करना है। तो फिर था लगातार प्रयास कर रहा था कि बंगाल पे भी कब्जा कर ले, बिहार पे भी कब्जा है ही है, और जौनपुर बनारस कन्नौज सब जगह कब्जा कर ले, और इससे बाहर, क्योंकि उसने कसम खाई थी यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया, इफ लक फेवर्स मी, आई विल कीप दिस मुगल्स आउट ऑफ इंडिया। यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर निकाल करके दम लूंगा। और इस दिशा में, इस लक्ष्य पर वह निरंतर काम कर रहा था, और हुमायूं उससे लगातार अनभिज्ञ था, एक साधारण अफगान समझ रहा था। उसे तब तक नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जब तक उसे नहीं पता चल जाता है कि शेर खान ने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा जो अलायंस था शेर खां और बहादुर शाह के बीच, गुजरात के शासक बहादुर शाह और शेर खां सूरी के बीच जो अलायंस था, यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण थी, उसके सफलता का कारण था। द अलायंस बिटवीन शेर खां एंड बहादुर शाह लेड टू हुमायूंस फेलियर। जब वह बहादुर शाह पर अटैक कर रहा होता है गुजरात और मालवा पर, तो शेर खां चुनार पर अटैक कर रहा होता है। जब वह चुनार पर अटैक कर रहा होता है तो बहादुर शाह चित्तौड़ पर अटैक कर रहा होता है, मालवा पर अटैक कर रहा होता है, गुजरात साम्राज्य का विस्तार करने में मशगूल हो रहा है, लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए हुमायूं के लिए बहुत ही कठिनाई पैदा किए कि दोनों ने मिल करके हुमायूं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये असफल रहे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हुमायूं की जो सैनिक जो दुर्बलता थी, जो वीकनेस था, जो मिलिट्री जो वीकनेस था, ये जब से जब महत्वपूर्ण था, क्योंकि हुमायूं ये योग्य सेनापति तो नहीं था, ही वॉज नॉट एबल कमांडर, और न ही उसके सैनिक ट्रेंड थे, तोपखाना होते हुए मिसाइल होते हुए वह उसका प्रयोग नहीं कर पाया। डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास नहीं था, भांग अफीम ड्रग्स का सेवन करने के कारण वह उसी लत में मशगूल रहता था। वह डिसाइड नहीं कर पाता था कि हमें अगले पल क्या करना है, किससे साथ लड़ना है, कौन सी प्लानिंग करनी है, कौन सी वार सिस्टम को अडॉप्ट करना है, कौन सी सेना हमें आगे रखनी है, कौन सी सेना हमें पीछे रखनी है। न तो अपने गुप्तचर को अलर्ट कर पाया, ये तक नहीं डिसाइड कर पाया कि चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद से जब वह आगरा पहुंचता है कि हमें तत्काल शेर शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कन्नौज पर, बनारस पर, चुनार पर, जौनपुर पर अधिकार करना चाहिए, तो
वहां पहुंचता है तो उसके भाइयों ने साथ छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा, ये कोई भी बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर काम कर रहा था उसकी असफलता के लिए, क्योंकि उसने भाइयों को साम्राज्य का बराबर बराबर विभाजन कर दिया। पिता ने कहा था, कामरान को पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र दे दिया, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, काबुल, कांधार, समरकंद, हिंदाल को बदख्शा दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, लेकिन युद्ध के अवसर पर कभी भी भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया। जब मैंने बात किया कि चौसा के युद्ध के बाद सभी भाइयों को मिलकर के, यह मुगल वर्सेज अफगान के बीच लड़ाई है, मिलकर के लड़ाई हमें लड़नी है, लड़ाई लड़ने की जगह कामरान बीमार पड़ गया, उसे लगा कि हुमायूं ने तो विष दे दिया, वो अपनी सेना छोड़ करके लाहौर वापस चला गया और आगरा से वो वापस, गौर से वापस तब आता है। देख लीजिए, गौड़ पर अधिकार करने के बाद वापस आने की प्लानिंग तब करता है जब उसको पता चलता है कि उसके भाई हिंदाल ने विद्रोह कर दिया। तो भाइयों का उसे युद्ध के अवसर पर मिर्जा बंधु मोहम्मद जमान, जिन्होंने प्रारंभिक दौर में ही हुमायूं की जाकर के वह मेहंदी राजा को शासक बनाने से मना करता है, लेकिन वह निरंतर यह षड्यंत्र कर रहा होता है कि हमें हुमायूं के खिलाफ काम करना है। तो मिर्जा बंधुओं का सहयोग, भाइयों का सहयोग, साम्राज्य का विभाजन, कामरान को इसने क्षेत्र दिया, वह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था सैनिक दृष्टि से, क्योंकि वहाँ के जो सैनिक, जो वहाँ का स्थानीय निवासी होते थे वो ट्रेंड होते थे, जो वहाँ सेना में भर्ती होते थे उस इलाके में जो रहते थे बहुत ट्रेंड होते थे, क्योंकि पहाड़ी फैक्टर्स थे जिसके कारण हुमायूं को शेर खान के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और वह जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा, मतलब संघर्ष करता रहा, और संघर्ष करते करते ही उसकी एक दिन पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी
समय का यूटिलाइज कैसे करता है शेर खां, कि पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जगह जगह सैनिक तैयार कर रखे हैं, गुप्तचर तैनात कर रखे हैं, कि जैसे ही हुमायूं कर्मनासा ये बक्सर के पास पहुंचता है, नदी क्रॉस करता है, वैसे ही अटैक करता है और किसी तरह से जान बचा करके हुमायूं को भागना पड़ता है। जब आगरा वह पहुंचता है होता है, आगरा पहुंचने के बाद जब उसको ये शेर खां की काबिलियत थी, शेर खां के द्वारा समय का उपयोग किया गया, उसकी व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व था वह हुमायूं की तुलना में बहुत स्ट्रांग था। उसने समय का सदुपयोग किया, उसने अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, अपने शत्रु पक्ष की कमजोरी को समझ करके उस पर अटैक किया, गुजरात के बहादुर शाह को अपना मित्र बनाया, अफगानों को संगठित किया, खुद बाबर की साथ उसकी सेना में वह पानीपत और खानवा के युद्ध में लड़ चुका था। उसको मुगलों की सेना की कमजोरी इसीलिए उसने कसम खाई थी, मैं एक दिन मुगलों को इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर दम दूंगा। ये महत्वपूर्ण था। तो अगर हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये पाते हैं कि हुमायूं का असंगठित साम्राज्य, हुमायूं के द्वारा समय का सही उपयोग न करना, हुमायूं के द्वारा समय समय पर की गई भूलें, हुमायूं का गुजरात के बहादुर शाह और शेर शाह सूरी का जो गठबंधन था उसको न तोड़ पाना, इसके अलावा हुमायूं की सैनिक दुर्बलता, हुमायूं का व्यक्तिगत जो चरित्र था, हुमायूं की जो सैनिक दुर्बलता थी, उसके भाइयों का, मिर्जाओं का सभी अप्राप्त होना, साम्राज्य का विभाजन, ऐसे साजिश थे जिसके कारण हुमायूं जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा। सीढ़ियों से करके जबकि शेर खान बहुत ही वीर योद्धा था, से अच्छी तरह परिचित था,
को संगठित करके मुगलों को इस हिंदुस्तान से बाहर निकालने की कसम खाई थी, और इस प्लानिंग पर, इस ऑब्जेक्टिव पर, इस लक्ष्य पर वह पूरी तरह से डिटरमाइंड था। का सही उपयोग किया नहीं कि परिस्थिति और समय के अनुसार उसने स्वयं को परिवर्तित कर लिया। बहादुर शाह के साथ एक अच्छा मित्रवत संबंध स्थापित किया। ये सारे ऐसे फैक्टर जिसके कारण शेर खा हुमायूं के विरुद्ध सफल रहा और हुमायूं शेर नहीं बल्कि उम्मीद है कि आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगेगा। आप इसको सुनिए, समझिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। हम इस वीडियो को यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड करेंगे। आपके लिए इस कोरोना संकट काल में जितना भी शैक्षणिक तकनीकी संभावनाएं बन सकती हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ हम लाइव लेक्चर देते हैं, आपको गूगल क्लासरूम पर इस वीडियो को अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ताकि दोबारा आप इसको फिर से सुन सके, समझ सके। तो आपको इस टीचिंग मेथड या मेथड कैसा लग रहा है, इसको आप कमेंट जरूर करिए, फीडबैक अपना जरूर दीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर एक मेरा वीडियो लेक्चर वीडियो आपके पास तुरंत सहजता के साथ पहुंच जाए, और आपको जो भी समस्याएं हो या जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो इस वीडियो के माध्यम से आप इस पीरियड में प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।